सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा एसवी न्यूज इंडिया से। जैसा कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है विकास हरियाणा का, इस कड़ी में हम जा करके देख रहे हैं कि गांव में कहां कहां विकास हो रहे हैं, किस प्रकार से विकास हुए हैं, उसमें विकास में पंचायतों का कितना योगदान है और सरकार क्या कुछ योगदान दे रही है और सरकार क्या कुछ सहायता दे रही है, वो ज़मीनी हकीकत पे है या नहीं है, वो सब हम जानने के लिए और क्या क्या सरकार से पंचायतों की मांगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतें किस प्रकार कर रही है, काम कर रही है, वो सब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं टोकस गाँव में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि राजेश जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सारी बातें। नमस्कार सर, एसवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे अपने गांव टोकस के बारे में, क्या इसका इतिहास रहा, किस प्रकार से नाम पड़ा है, इसकी क्या विशेषता है। गांव टोकस लगभग 900 से 1000 वर्ष पुराना है। यह गाँव पातन से निकला हुआ है और हमारे गाँव में एक गोत है टोकसिया जी, जिसको टक्सक बोलते हैं, उसी नाम पे गाँव का नाम रखा हुआ है टोकस जी। ये है जी टोकस का इतिहास। तो जी जी, गांव की क्या विशेषताएं हैं मुख्य रूप से जो लोगों को आकर्षित करती है, जैसे कि आपके मंदिर भी है बहुत बड़ा। गांव में एक दादा केसरा का मंदिर है जो कि लगभग 400 साल पुराना है जी। वहाँ आज जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। उसकी विशेषता यही है कि कोई भी सांप से डसा हुआ कोई व्यक्ति अगर वहाँ आता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, वहाँ धोख मारने से उसका जहर अपने आप निकल जाता है जी। ये गांव की एक खास विशेषता है। एक दादी सती का मंदिर है, वहाँ कोई भी फोड़ा फुंसी अगर किसी की होती है, मावस के दिन अगर वहाँ धोख लगा ली जाती है तो वो ठीक हो जाती है। ये गाँव की विशेषता है। गाँव में कितने आबादी है, गाँव की कितने वोटर है? गाँव में लगभग 2500-2600 के लगभग की आबादी है, 1320 के लगभग गाँव के वोटर हैं। गाँव में बात की जाए विकास कार्यों की, तो पंचायत के द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए हैं गाँव में? जी, दो आंगनवाड़ी अच्छे विकास कार्य हुए हैं इस साल जी। इस में आंगनवाड़ी बनाई गई है, जैसा कि गाँव की लगभग सड़कें हैं वो लगभग 90% पक्की कर दी गई हैं और भी अच्छे काम हुए हैं जी। सर, बात की जाए शिक्षा को लेकर के, क्योंकि हर गांव को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र बहुत ज़रूरी होता है, अपने यहां पर शिक्षा में आपने क्या क्या कार्य किए गांव में? जी, शिक्षा के लिए तो गांव टोकस पातन हमारा इकट्ठा है गांव है, इसमें जी 10वीं तक का स्कूल है, शिक्षा ठीक है, अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ स्कूल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी। अगर को एजुकेशन के तहत भी दोनों में से एक स्कूल भी अगर +2 का हो जाए तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े और शिक्षा और सुधार में आ जाए, क्योंकि जो लड़कियां हैं कुछ लड़कियों को घरवाले नहीं भेजते, बाहर नहीं भेजते। अगर गांव में ही +2 का स्कूल हो तो वे लड़कियां +2 तक भी एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं जी। जी, जैसा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो बेटियों को आगे लाने के लिए, उनको शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कदम है कि कम से कम +2 ये स्कूल हो, क्योंकि दो गाँव के बीच में एक स्कूल है, ये ज़रूरी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? खेलों में बढ़ावा देने के लिए सरकार से अभी तक हमारे को ना ही तो कोई स्टेडियम मिला है, ना ही कोई बात, बच्चे अपने उस पर ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे स्टेडियम की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए स्टेडियम का और कोई भी सहयोग नहीं है जी। पंचायत किस प्रकार से बच्चों का सहयोग कर रही है? पंचायत बच्चों को खेलने के लिए किट है वगैरह वगैरह ले आके देती है और खेलने के लिए सामान भी उपलब्ध कराती है और उनकी किटें ट्रैक सूट ड्रेस वगैरह वगैरह लगाने के लिए पंचायत थोड़ा बहुत सहयोग करती है बच्चों का कि खेल में आगे बढ़े जी। महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से, क्योंकि महिला और जो लड़कियां हैं वो आगे आज समाज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है? हमारे गांव में तो अच्छी है जी, महिलाओं की अच्छी है, लगभग महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, जो पुरानी महिलाएं हैं वो तो अनपढ़ हैं, बाकी जो नई हैं और हैं सभी स्कूल में बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और जो भी हैं लगभग पढ़ी हुई हैं अब तो जी। सर, जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार से मुख्य रूप से क्या क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से एक तो ये मांग है कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए, +2 का किया जाए और गाँव में स्टेडियम हो गया, लाइब्रेरी होगी, बच्चों के पढ़ने के लिए एक कंप्यूटर कक्ष हो गया, लेडीज़ के लिए एक लेडीज चौपाल की व्यवस्था करवाया जाए कि जिसमें वो बैठ के अपने बारे में कुछ सोच सकें और कर सकें। काफ़ी मांगे हैं, लेकिन ये 4-5 मांगे तो जो हैं, एक हमारे खेतों में जो रास्ते जा रहे हैं वो कच्चे हैं, बारिश के समय खेतों में जा ही नहीं सकते लोग जी। वो पक्के करवाए जाएँ, लेकिन सरकार से अभी कोई खास
नहीं मिल रहा है। स्टेडियम कब स्टेडियम के लिए, कम से कम 3 साल पहले जब सरकार बनी थी, जब हमारे से एस्टीमेट और लिए गए थे, अभी तक कोई वो नहीं है। जी, सरकार की तरफ से कोई सीएम योजना जो घोषणा हुई हो उसमें कुछ मिला हो आपको, या कुछ ऐसा कोई नहीं, आश्वासन मिला? सरकार की तरफ से कोई भी सीएम घोषणा के कोई भी पैसे हमारे गांव में नहीं आए अभी तक, कुछ भी नहीं आए। जी, तो ये है गांव की, टोकस गांव की वो व्यवस्था जहां पर पंचायत अपने फंड्स के द्वारा काम करवा रही है और सरकार से उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि जहां पर सरकार कहती है कि हम हर गांव को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हर गांव को जो सीएम साहब की घोषणाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं, अब ये कारण है बनता है कि क्या कारण है कि क्यों अभी तक सीएम घोषणाओं का फ़ायदा यहाँ नहीं मिल पाया है, क्यों अभी तक स्टेडियम का काम है जो इतने समय से पेंडिंग पड़ा है या और भी जो सीएम साहब की घोषणाएं वो उनका लाभ अभी तक क्यों नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बहुत ज़रूरी होता है और स्कूल का कार्य अभी तक यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ऐसी जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ भी हैं और मैं चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि जो इनकी मुख्य रूप से मांगे हैं वो उन पर जल्द से जल्द काम करते हुए इनका समाधान करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एसवी न्यूज़ में आपका समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेश जी, जिन्होंने टोकस गाँवों में बताया कि क्या क्या विकास कार्य उन्होंने पंचायत के द्वारा करवाए और शिक्षा को लेकर के और खेलों को लेकर के किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और सरकार का किस प्रकार रोजगार दे रहे हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि गांव में राजनीतिक हवा, क्योंकि आज अभी विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, तो राजनीति में किस प्रकार से गांव का हमेशा जो योगदान रहा है वो किस प्रकार से? देखो जी, हमारे गाँव में तो पीछे जो कि इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उनमें तो कांग्रेस जीती थी। अगर खट्टर साहब कुछ अच्छे काम करते हैं हमारे लिए भी तो हो सकता है कि संभावनाएं हैं। आने वाले नलवा विधानसभा में आपको क्या लगता है कौन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हो सकता है? वो तो जी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा कि कैंडिडेट कैसा है। नलवा के अंदर तो जहाँ तक उम्मीद है कि कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करेगा, कैंडिडेट कैसा है, काम करने वाला है या नहीं है, उस हिसाब से लोग वोट देंगे। अगर कोई काम करने वाला होगा तो जरूर देंगे। जी, गांव की बात की जाए तो गांव इस बार नलवा हलके में किस प्रकार से सरकार के साथ है या किस प्रकार से? अभी लोग साइलेंट हैं जी, कुछ नहीं पता कि किसको वोट देंगे जी। काम के ऊपर निर्भर करता है, अभी पड़े हैं 1-1.5 महीना। अगर सरकार कुछ करती है तो जैसा कि पहले कच्चे मकानों के लिए बोला गया था, हमारे गांव में तो कोई भी कच्चे मकानों के गरीब लोग काफी हैं, 20-30 लोग गरीब हैं जिनके मकान भी नहीं है रहने के लिए, सरकार ने उनको कोई सहयोग ही नहीं दिया, अभी तक कोई मकान नहीं आया, कोई और नहीं आया, लोग कर रहे हैं इंतजार, अगर कोई सरकार करेगी तो वोट भी देंगे, अगर वरना बहुत लोगों की अपनी मर्जी है किसको दें। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुंदर बात कही सर ने कि जो लोगों का विचार होता है, क्योंकि लोकतंत्र है और सभी को अपना अधिकार है वोट डालने का और अपना मत देने का, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर सीएम साहब कहते हैं कि हम सभी हलकों में बराबर काम कर रहे हैं, सभी गाँव में बराबर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर पे पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को पिछली बार लीड मिली थी, हो सकता है उसका हर जाना इनको यहाँ भुगतना पड़ रहा हो। संदीप सिंह पहाड़ा, एसवी न्यूज़ इंडिया, धन्यवाद।